नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों से। रोज एंकरिंग करते हैं हम लोग यहाँ बैठ के, रोज मिलते हैं। पता नहीं था आज फोन आएगा। ये रोहित आईसीयू में, सब जाते हैं आईसीयू में, हमारा दोस्त भी गया था। फिर खबर आई कि वो वेंटिलेटर पर है। मैं सुबह से बुलेटिन कर रही थी, डर लग रहा था, प्रेयर भी कर रही थी साथ साथ। तबीयत ठीक थी, 10:30-11 बजे तक उनकी वाइफ उनके साथ थी। रात के 4 बजे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है और फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर बनाए रखते हैं और फिर दिन के 11-12 बजे के बीच इस तरह की खबर सामने आती है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर नवजोत कुछ भी बता पाना, क्योंकि आज वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना की मृत्यु हो गई। मृत्यु की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, क्या सच में मृत्यु की वजह हार्ट अटैक है या फिर कुछ और? आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना कोरोना से संक्रमित भी थे। इस बात की जानकारी रोहित सरदाना ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर दी और कल रात तक रोहित सरदाना की हालत बिल्कुल सही थी। कल रात अचानक हालत बिगड़ने के कारण उन्हें आईसीयू बेड पर रखा गया और लगातार हालत गंभीर होती चली गई और आज करीब 12:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। इस बात की जानकारी सुधीर चौधरी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर दी और वरिष्ठ पत्रकार रणदीप सरदेसाई ने भी इस बात की जानकारी साझा की। आपको बता दें, आज तक ने भी इस खबर को ब्रेक कर दिया है और आज तक के एंकर्स का रो रो के बुरा हाल हो चुका है। आलम यह है कि आज तक को अपने लगातार एंकर्स स्क्रीन से बदलने पड़ रहे हैं। कभी नेहा बाथम स्क्रीन पर आ रही हैं, कभी चित्रा त्रिपाठी। आज तक की मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप का भी रो रोकर बुरा हाल है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं किस तरीके से नवजोत रंधावा आज तक की स्क्रीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही हैं। आपको बता दें, रोहित सरदाना की 2 बेटियां हैं और रोहित सरदाना की उम्र केवल 42 वर्ष की थी। रोहित सरदाना के पार्थिव शरीर को कुरुक्षेत्र ले जाया जाएगा, क्योंकि रोहित सरदाना कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। रोहित सरदाना की मौत से सब स्तब्ध हैं। बड़े से बड़े नेता रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के सीएम केजरीवाल हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सभी ने रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि अर्पित देते हुए ओम शांति ओम लिखा, यानी कि रेस्ट इन पीस, यानी कि मरने वाले की आत्मा को शांति मिले। ये सब तो ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, क्या रोहित सरदाना की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई या फिर रोहित सरदाना कोरोना वायरस की चपेट में आने से मौत से जिंदगी की जंग हार गए? आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मेघा वर्मा। कोरोना वायरस ने आज पत्रकारिता जगत को एक बड़ा झटका दिया है। आज तक चैनल के मशहूर एंकर रोहित सरदाना का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया। आपको बता दें, रोहित सरदाना जी न्यूज में भी बतौर एंकर काम कर चुके हैं। रोहित सरदाना की मौत को लेकर पत्रकार सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा, अब से थोड़ी देर पहले जितेंद्र शर्मा का कॉल आया, उसने जो कहा सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर उसने दी। ये कोरोना वायरस हमारे इतने करीब से किसी को उठा ले जाएगा, ये कल्पना नहीं की थी। उन्होंने आगे लिखा, इसके लिए मैं तैयार नहीं था, यह भगवान की नाइंसाफी है, ओम शांति। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी रोहित सरदाना की मौत को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने ट्विटर पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दोस्तों, बेहद दुखद खबर है, मशहूर टीवी न्यूज एंकर रोहित सरदाना का निधन हो चुका है। आज उन्हें सुबह ही हार्ट अटैक आया, उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना। आपको बता दें, रोहित सरदाना कुछ दिनों पहले से ही कोविड पॉजिटिव थे और नोएडा के एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। आज सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। आपको ये भी बता दें कि 2018 में ही रोहित सरदाना को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से नवाजा गया था और उनके शो की टीआरपी, यानी कि दंगल की टीआरपी भी आसमान पर रहती थी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।